आज मैं कस्टर्ड ट्राइफल बनाने लगी हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले जिन चीज़ की ज़रूरत है वो मैंने 2 किलो मैंने दूध लिया है। इसको मैंने बॉयल करने के लिए ऊपर पतीली के रख दिया है। चीनी इसमें मैं 1 कप देख लें आप लिया है, 1 कप तकरीबन चीनी मैंने ली है। चार चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं। ये 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध मैंने लिया, इसमें मैं कस्टर्ड को मिक्स करूँगी। जैसे ही दूध में बॉयल आता है, उबाल आएगा, तो मैं इसमें चीनी मिक्स करूँगी और फिर आस्ता आस्ता मैं आपको बताती हूँ। ये देखें दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। अब इस कंडीशन में इसमें मैं जो चीनी थी ये ऐड करूँगी और इसको मैं मिक्स करूँगी। जैसे ही चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, तो आपने ये जो कस्टर्ड था 4 चम्मच मैंने इसको दूध में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालती जाऊंगी और साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। अब अगर इस कंडीशन में अगर इस वक्त अगर आपको फील हो कि आपका कस्टर्ड पतला है, तो आप मज़ीद 1 चम्मच और भी ठंडे दूध में मिक्स करके इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर दूसरे सूरत में आप इसको हल्की आंच पे पकने दें, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जाएगा। दोनों सूरतों में आप अपना मतलूबा जो कस्टर्ड चाहती हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपने चीनी भी चेक करनी है कि कम या ज़्यादा तो नहीं। देखें ये कस्टर्ड जो है ये तैयार हो गया है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसको मैं ठंडा होने दूंगी। अब दूसरी तरफ मैं जेली तैयार करूंगी। मैंने 2 कप पानी लिया है, 1 कप मैंने ये वाला लिया है। अब जेली जो है वो इसके अंदर मैं, जैसे पानी में बॉयल आएगा तो आपने जेली जो है वो इसके अंदर मिक्स करना शुरू कर देनी है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए, फिर इसको छोड़ दूंगी और फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये ठंडी होके जम जाए। अब देखिए इसकी कैसी कंडीशन है। एक से 2 मिनट पकाने के बाद ये तैयार हो जाती है। ये देखें अब जेली जो है ये तैयार हो गई है। अब मैं चूल्हा ऑफ कर दूंगी और इसको किसी भी बर्तन में डाल के फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं बताऊंगी कि कैसे हम इसको डेकोरेट करेंगे। आपने केक लेना है, इसके स्लाइसेस इस तरह रखने हैं आपने। कस्टर्ड की एक तह लगानी है आपने। ये मैंने एप्पल लिया है, 2 अदद एप्पल को मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिए हैं। ये मैंने 4 अदद
बनाना लिए थे, केलों को भी मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। ये मैं डालूंगी इसके ऊपर। ये आरू मैंने लिए हैं 2 अदद, ये मैं इस तरह करूंगी, इनको फैलाऊंगी। आप फल जो हैं अपनी मर्जी से जो चाहें आप डाल सकते हैं मौसम के लिहाज से। अच्छा, ये मेरे पास मैंगो है, मैंने एक लिया है, ये मैं इस तरह नहीं डालूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करके इसको ग्राइंड करूंगी और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। मैंगो जो है वो मैंने कस्टर्ड के साथ इसको मैश कर लिया था, अब मैं ये ऐड करूंगी। जेलीज हैं, जेलीज तो हैं, देखें मेरी जम चुकी हैं। इस समय मैंने इनको कट लगा के शेप्स दी हैं, अब ये मैं ऐड करूंगी। इसी तरह रेड कलर की जेलीज भी हैं। अब ये जो केक है इसकी एक तह लगाऊंगी मैं। और ये जो बाकी कस्टर्ड है, अब जो बाकी कस्टर्ड है वो मैं ऊपर इस तरह डाल दूंगी इसके ऊपर। अब इसको हम बनानास के साथ जो है इस तरह फैला दें। सेंटर में इस तरह जल्दी से रख लें। कस्टर्ड ट्राइफल जो है वो तैयार है। आप ईद पे बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।